सबसे पहले कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिश की पेशगोई कर दी है। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ चुकी है और घरों में मज़ेदार पकवान बनना शुरू हो चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ बाज़ारों में भी रश बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है और महकमे मौसमियात की आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिश की पेशगोई भी है, जबकि सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ चुकी है और सर्दी की शिद्दत बढ़ने से घरों में भी मज़े मज़े के पकवान तैयार हो रहे हैं। और कुछ है लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाज़ारों का रुख किया है और हमेशा से ही जब भी ऐसा मौसम होता है तो लाहौरी बाहर निकलते हैं और खामों को इंजॉय करते हैं। यही लाहौरियों की शान है और यही उनकी सकाफत है। तो मौसम पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और बूंदाबांदी होने से मौसम इस वक्त खुशगवार हो चुका है। तो शहरी भी घरों से बाहर निकल आए हैं, उन्होंने बाज़ारों का रुख किया है, मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि घरों में भी ख्वातीन ने खाने का एहतमाम किया है और मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। और अगर महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये प्रेडिक्शन की गई है कि 3 से 4 रोज तक बारिश हो सकती है और यकीनी तौर पर बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। अभी भी सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बारिश के बाद तो मज़ीद बढ़ जाएगी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स हुसनैन और शाहजेब मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शाहजेब का। शाहजेब बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, मौसम की सर्दी की शिद्दत क्या है, टेम्परेचर क्या है और क्या प्रेडिक्शन है महकमे मौसमियात की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद हूँ और अगर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो पिछले 3-4 रोज़ में काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही थी और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाका जात जो कि मजंग, चुबुर्जी, गुलशन रावी, समनाबाद जिनमें शामिल हैं वहाँ पर बूंदाबांदी हुई है और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का मुताबिक जो है वो अभी शहर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि अगले 3 से 4 रोज़ में शहर में मज़ीद बारिश होगी और बारिश की वजह से जाहिर सी बात है कि ठंड में भी मज़ीद इजाफा होगा, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो अभी 20 किलोमीटर पर घंटा और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% के करीब है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है शहर में और जिंदा दिलाने लाहौर अगर इस मौसम से लुत्फानंदोज़ ना हो तो ऐसा मुमकिन। ठीक है शहजेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे अभी हुसनैन का। हुसनैन आप किसी फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, बताइएगा कि यहाँ पर लोग किस तरह से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। जैकेट भाई अजी, सर्दी जनवरी की सर्दी की ठठरती हुई शाम हो तो ऐसे में सर्दी से बचने के लिए वाहद सहारा जो है वो गर्म मशरूबात होते हैं, तो ऐसे में लाहौर में जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है तो शहरियों ने बड़ी तादाद में गर्म मशरूबात का रुख किया है। सब्ज चाय और सूप कॉर्नर पर काफ़ी रश देखने में आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंग महल में जहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं एक सूप कॉर्नर पर मौजूद हैं और यहाँ पर से सूप परचेज किया जा रहा है और बहुत सी फैमिलीज यहाँ का रुख किया जो यहाँ पर सूप कॉर्नर पर आकर सूप से महसूस हो रहे हैं। तो हम सूप कॉर्नर के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं कि उनके सूप में ऐसी क्या खास बात है जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हैं और काफी जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर आकर सूप से महसूस हो रहे हैं। जी सर, जी मुझे बताइएगा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज आते हैं, आपके सूप में ऐसा क्या खास है? भाई हमारा मियार बहुत अच्छा है, हम ओरिजिनल मसाले डालते हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते मसालों में, तो इसलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो वैसे भी हमें 30 साल हो गए लगाते हुए, तो हमारा जो पहले जायका था आज भी वही जायका है। जायका एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी बंदा जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता और जायके की वजह से ही लोग इतनी ज्यादा मुसाफत तय करके यहाँ पर रंग महल में आते हैं और यहाँ पर सूप कॉर्नर से सूप से महसूस होते हैं। तो यकीनन जो लाहौरिये हैं पूरे लाहौर में जहाँ कहीं भी वो रहते हैं वो घरों से निकले हुए हैं और बड़ी तादाद में उन्होंने रुख किया हुआ है मुख्तलिफ सूप कॉर्नर पॉइंट्स का, सब्ज चाय का, वहाँ पर जाकर उनसे महसूस हुआ जा रहा है। जी अच्छा, उसने जो लोग सूप का एंजॉय कर रहे हैं जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिए, वो क्या कहते हैं?
बिल्कुल, मैं यहाँ पर काफी शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर सूप से महसूस हो रहे हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि वो सूप यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, सूप पी रहे हैं, तो टेस्ट कैसा है, टेस्ट के हवाले से भी उनसे बात कर। जी सलाम, कैसे हैं आप? कैसे भाई जान? ठीक हो? अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर रंग महल में आकर आप सूप से महसूस हो रहे हैं, तो सर्दी को भगाने में काफी मदद मिल रही है, टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सर्दी में यहाँ का ही आपने क्यों रुख किया? सर्दी में इस सूप कॉर्नर का ही आपने रुख क्यों किया? मैं हमेशा इधर, मेरा दुकान है पास में रंगमहल चौक में, और डेली हम आते हैं इधर। अजी, हम किसी और से भी बात करते हैं, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं जो सूप से महसूस हो रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, यहाँ पर सूप से महसूस हुआ जा रहा है, कितना अच्छा सूप है? अच्छा सूप है अजी, सूप बहुत अच्छा है, और यही एक वजह है कि जितना टेस्ट अच्छा होता है, बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ का रुख करते हैं। तो अभी ऑर्नर ने भी यही बात की कि मसालों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, जो टेस्ट है हमारा 30 साल से वो यहाँ पर सूप बना रहे हैं, तो सूप का जो टेस्ट है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो तरीक़ाकार है रवायती तरीक़ाकार के साथ सूप पर सूप तैयार किया जाता है, और इसी वजह से बड़ी तादाद में जो शहरी हैं यहाँ पर सूप कॉर्नर का रुख करते हैं और सूप से इंजॉय होते हैं। जी ठीक है हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहज़ैब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें मौसम पे अपडेट कर रहे थे, और हुसैन हमें फूड पॉइंट से ज्वाइन किए हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, और लाहौरी अब खाने को एंजॉय कर रहे हैं।